हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। आज का टिप्स ऐसा है जिसे हम करेंगे तो हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और हमारे घर भी प्रॉपर बहुत अच्छे से चलेगा। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि हम अपने घर में अगर नहीं करते हैं ना, तो फिर उससे इतना कुछ बाद में दिक्कत हो जाता है कि लगता है काश मुझे पहले पता होता। आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स लेके आई हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स है सिंक को लेके। सिंक हो, बेसिंग हो, या फिर बाथरूम की नाली हो, कोई भी हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि रोज़ रोज़ जब काम करते हैं ना तो इसके गंदगी थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है, चाहे कितना भी उसमें जाली लगा हो या कितना भी हम लोग ध्यान से करें, चला ही जाता है। या साबुन का भी रहता है ना कि परत जाके जम जाता है, इस तरह से हमारी नालियाँ जाम हो जाती हैं। उसके लिए मैं एक बार पहले भी आपको हार्पिक ड्रेन बताई थी कि ये मार्केट में मिलता है, आप चाहें तो उसको भी ले आके, और बीच बीच में हर एक महीना डेढ़ महीना पे जरूर डालना चाहिए। और अगर आप मार्केट से नहीं ला पाते हैं तो फिर ये होता है कि हम घर पे इसको कैसे करें, तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान आज एक टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि नालियाँ कभी जाम नहीं होंगी। उसके लिए हमें लेना है बेकिंग सोडा। तो ये हम ज़्यादा था तो अलग से एक शीशी में रखे हैं, तो इसको निकाल लेंगे। और मैं जब करती हूँ ना तो बाथरूम में भी और यहाँ सिंक में भी और फिर बेसिंग में भी, सब जगह इकट्ठा एक साथ कर देती हूँ क्योंकि फिर आलस हो जाता है। तो देखिए, 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा ले लिए हैं और एक नींबू है, तो अभी नींबू का बीज हटा लेंगे। और उसके बाद उसमें, मतलब बस अब इसको लेके सिंक में आपको 2 चम्मच अभी यहाँ डाल देंगे। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, एक बार आप लोग इस तरह से करके ट्राई करिएगा। और अगर आपका किसी का, मतलब जिसका खुला नाली हो ना, तो वहाँ जाके आप देखिएगा बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। और इसमें देखिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें नींबू, और जब इसमें नींबू डालेंगे ना तो देखिए झाग टाइप का निकल रहा है, यही मेन इसका काम करता है। तो इसको इस तरह से डालें कि, मतलब अभी इसमें डाल के, अभी देखिए बिल्कुल पानी नहीं डाल रहे हैं, और इतना डालने के बाद अब इसमें हम आधा मग्गा बस पानी डाल के, और उसके बाद अब इसको ढक कर आधा घंटा रख देंगे। तो पूरा आधा घंटा इसको इसी तरह से, तो इस तरह से ढक के रखने से ना, जो हम बेकिंग सोडा और नींबू डाले हैं तो इससे जितने भी गंदगी जो जमी होती है वो छोड़ देगा आपस में। तो इसी तरह से ढक के छोड़ देंगे। और अब चलते हैं दूसरे तरफ, उधर भी इसी तरह से कर लेते हैं। तो मैं इसी तरह से 4 जगह, मतलब नालियाँ इस तरह से ओपन है तो चारों जगह मैं इसी तरह से करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ भी कर रही हूँ, और देखिए आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप कर लीजिए। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है क्योंकि ऊपर छत पे आंगन में ना फाइबर लगा हुआ है, तो वहाँ पे उसका कलर दिख रहा है। और यहाँ भी उसी तरह से आधा मग्गा डाल के और इसी तरह से ढक के रख देंगे। जब हम हार्पिक ड्रेन लेके आते हैं ना मार्केट से खरीद के, उसमें सेम यही प्रोसेस लिखा होता है। तो अभी देखिए दोनों जगह का, ये आपको जो दिखा रहे हैं, तो पूरा आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा के बाद उसमें क्या करना है, जितने भी जिसे इसमें गंदगी है वो सब फूल गई होंगी, तो उसको अब इस तरह से, मतलब पूरा एक बाल्टी पानी इस तरह से डाल देंगे ना, तो वो सब जैसे फूली हुई है ना, तो वो पानी के साथ बह जाएंगी। तो इस तरह से पाइप बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और ये तो मैं आपको अच्छे पाइप में दिखा रही हूँ, मतलब जाम नहीं है। जब किसी का जाम होता है ना तो वो उस समय करते हैं तब उनको उसका फ़र्क दिखता है। और मैं आगे, मतलब दिक्कत ना हो इसलिए मैं ये कर लेती हूँ, हर एक डेढ़ महीना पे इस तरह से करती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है सारे पाइप हमारे घर के अंदर इस तरह से पैक हो जाते हैं ना, कि फिर उसको अगर तोड़वाना हो तो बहुत मुश्किल होता है। और नेक्स्ट टिप्स मैं आपको आज बता रही हूँ, इससे तो सभी लोग इस समय गर्मी में तो खास तौर से परेशान हो जाते हैं। मुझे तो बहुत, मतलब इनसे छिपकली से बहुत घिन आती है, और ये ऐसे ऐसे जगह पे आपको देखने को मिलती है ना कि कभी कभी गुस्सा भी आता है कि मतलब मार ही दे इनको, या फिर कभी कभी मतलब लगता है पता नहीं कहाँ चली होंगी, जीप चल लगाई होंगी। उसके लिए बहुत ही आसान टिप्स है, किचन में खास तौर से रहता ना कि खाना पीना हम लोग कभी ऐसे छोड़ दिए, या कोई कोई ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म है कुछ भी है हम लोग वहाँ रखे रहते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट उठा लेते हैं, तो वहाँ लगता है कि अगर छिपकली चली होगी तो फिर
नुकसान भी करेगा, उसके लिए बहुत ही आसान टिप्स है ना कि जब आप रात में किचन को क्लीन करके और किचन से बाहर निकलने वाले रहे ना, किचन का ही क्योंकि खाने पीने का चीज़ है तो इसलिए किचन में मेन रहता है कि प्लेटफॉर्म पे एक इस तरह से प्याज का छिलका हटा के, क्योंकि प्याज अगर पूरा छिलका के साथ रखे तो उसकी स्मेल उतनी नहीं ज़्यादा होती है, अगर आप छिलका हटा देंगे ना तो उसका स्मेल बहुत दूर तक जाता है और प्याज की स्मेल से चिपकली बहुत दूर भाग जाती है। तो ये आप एक गैस पे या प्लेटफॉर्म पे कहीं भी एक किचन में खासतौर से प्लेटफॉर्म पे रख दे ताकि वहाँ उसके दूर दूर तक ना आए। तो मैं रोज़ रात में एक प्याज का ऐसे ही करती हूँ। नेक्स्ट टिप्स है, जब बात हो रही है गर्मी की तो गर्मी में छिपकली जितना परेशान करती है मच्छर भी उतना ही रहता है। गर्मी में मच्छर बहुत ज़्यादा लगता है और वो कोने कोने से मतलब रहता है ना कि जहाँ हवा आ रही है वहाँ तो नहीं काटेंगे लेकिन साइड साइड से इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। और कुछ भी अगर मतलब अगरबत्ती हो या कुछ भी जो भी मार्केट से ख़रीद के जलाइए ना तो वो नुकसान भी करते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान ये टिप्स है कि जहाँ भी आपको लगता हो जहाँ आप लोग बैठ रहे हैं वहाँ पर इस तरह का आधा नींबू ले लीजिए। और ये टिप्स एक बार आप लोग आजमा के देखिएगा, मैं ये करती हूँ तब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आधा नींबू लेके और उसमें कुछ लौंग लेके और इस तरह से जैसे मैं इसमें नींबू में लौंग को इस तरह से फंसा रही हूँ इस तरह से करके, और फिर आप जहाँ भी बैठते हो जहाँ आपको लगता हो। तो ये मैं तो वैसे मच्छरदानी लगाती हूँ अपने बेडरूम में, लेकिन गेस्ट रूम में रहता है ना कि हम लोग बैठ के टीवी देखते हैं तो वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो वहाँ पे मैं इसको ले जाके रख देती हूँ। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, लौंग है और नींबू है तो इसका ये भी नहीं रहता कि इसकी महक बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप एक बार करके देखिएगा। ये है ना कि मार्केट से मतलब कुछ भी जलाओ तो उसमें नुकसान करता है, तो उससे ये बहुत ही अच्छा रहता है। और नेक्स्ट टिप्स है इस तरह के चकले को लेके, ये वाला तो जब से मतलब ये पत्थर वाला रहता है ना कि इसको उठाने में काफ़ी डर लगता है और कभी कभी तो मेरे से ऐसा होता है ना कि इसको जैसे धो के मैं सरका रही हूँ तो ये जो टाइल्स लगे हुए हैं ना उस पर जाके तेज़ी से जैसे स्लिप कर जाता है। उसके लिए मैं मतलब एक था ना कि क्या करें जिससे इसका कोई रहे कि ये मतलब ये भी टूटे ना और टाइल्स भी मतलब ख़राब ना हो, उसके लिए देखिए ये जो रहता है ना स्टैंड उस पर आप इस तरह से रख दीजिए जिससे आपको इसको उठाने में भी आसानी रहेगी। और कई बार ऐसा होता है जैसे गिर के और ये भी टूट जाता है और मतलब पैर में भी चोट लग जाता है। मेरा एक पीछे मतलब पहले था उसका ऐसे ही हो गया, मेरे हाथ से ही सरक गया, गीले हाथ से उठाए बस सरक के नीचे गिर गया। तो इसके लिए बहुत ही आसान ये है कि जब आप इसको धो लेना तो इसके ऊपर इस तरह से स्टैंड के ऊपर रख लें तो जिससे इसको सरकाने में भी आसान हो जाता है। और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, कई बार मेरे एम से ऐसे हुआ कि टाइल्स पे भी सरक के जाके मतलब हल्का क्रैक हो गया। और नेक्स्ट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत ही मतलब ज़रूरी है, ये हम लोगों को करना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ये ध्यान नहीं देते कि इससे आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और कुछ चीज़ों का नुकसान ऐसा होता है ना कि फिर बाद में हम लोग पूरा चाह के भी नहीं कर पाते हैं, जैसे इस तरह से जो प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगे होते हैं ना, तो इस पर अगर हम बर्तन रख रख के रोज़ धुलते हैं ना तो यूं ही नहीं पता चलता, सालों बाद, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे पुराने घर में था, सब लोग जैसे बर्तन ऐसे ही धुलते थे ना तो उसका धीरे 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 ग्रेनाइट मतलब पहले तो उसकी चमक गई, फिर उसके बाद उसकी जैसे घिसते घिसते हल्का घिस गया, उसकी पूरी मतलब थोड़ी सी गड्ढे टाइप की हो गई है। तो अब उसके बाद होता है कि अब क्या उपाय करें, तो उसके लिए बहुत ही आसान है। जब मैं अपने पुराने घर से सीखी ना तो मैं यहाँ पर जब भी यूज़ करती हूँ तो इस तरह का एक लकड़ी का पीढ़ा रख ली हूँ जिससे ये से ना, और इसका भी रहता है कि ये भी लगवाना इतना आसान नहीं होता है, एक बार अगर दिक्कत हो गई तो फिर बहुत समय लगता है लगवाने में। और उसी तरह से ये छोटा सा वाइपर, ये बहुत ही काम की होती है, इसे आप अपने किचन में ज़रूर रखें। और नेक्स्ट, जब इतनी किचन की बातें हो रही है तो थोड़ा बहुत खाने पीने का भी हो जाए, तो आज मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे पोहा बनाती हूँ जिससे पोहा देखने में खिला खिला भी रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी तो मैं तेल डाल के और जीरा, हींग, सरसों और उसके बाद प्याज मिर्चा जो भी मतलब ये जैसे करते हैं वैसे करके बना के, प्याज टमाटर से इस तरह से मैं बनाती हूँ, मेरे घर में सबको इस तरह से पसंद आता है। और टमाटर डालने के बाद नमक, और उसके बाद मेन है जो इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस, इसी तरह के जब प्याज टमाटर पक जाए ना तो उसमें डाल दीजिए और
ये इस टिप से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा। और पोहा को है ना कि धुलने के मतलब जब प्याज टमाटर पक जाए उसके बाद धुलिए, और ये मूंगफली भून के रखे हैं उसको डाल देंगे। और मेन इसका जो मैं टिप्स बता रही हूँ, एक टमाटो सॉस और चिली सॉस का तो रहता ही है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी देखने में अच्छा हो जाता है। और उसके बाद है जब पूरा बन जाए तो उसके ऊपर से नींबू इस तरह से डालिए, तो इससे भी बहुत अच्छा पोहा लगता है। अभी ऊपर से धनिया पत्ता डाल के और फिर पोहा बनके तैयार है। तो इसके बाद आपको मन करे तो इसमें ऊपर से नमकीन डालिए, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे मिस्टर को लगता है कि ऊपर से थोड़ा सा नमकीन डाल दो तो बस उनके लिए, वरना मुझे मतलब ऐसे ही पोहा अच्छा लगता है। इस तरह से एक बार पोहा बना के टमाटो सॉस और चिली सॉस डाल के और ऊपर से नींबू डाल के बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट इसका, और खिला खिला भी पोहा बनता है। तो आज की मेरी कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी और कौन सी टिप्स आप भी अपने घर में करते हैं, या मेरी कौन सी टिप्स आप अपने घर में ट्राई करने वाले हैं, मुझे कमेंट। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।